गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि भी आप देख रहे हैं अभी 6 बज रहा है और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम फिर पटना आ चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे महावीर मंदिर को देखने के लिए। पिछले बार हमने आया था पटना तो हमने मरीन ड्राइव पर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम लोग आए हैं, इस बार हम लोग चलेंगे महावीर मंदिर को देखने के लिए, जो कि हमारे पटना का बहुत ही पॉपुलर जगह है और मतलब नज़दीक में हमारा पटना जंक्शन है। तो वहाँ पर हम लोग बाइक से चलेंगे, यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ आखिर है क्या जो इतना फेमस है, और आप अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अभी अनीसाबाद से जो जहां हम ठहरे हुए थे वहां से हम लोग निकल चुके हैं पटना के महावीर मंदिर को दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ चलिए और देखते हैं। यहां से अनीसाबाद से लगभग 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच में महावीर मंदिर पड़ता है। तो अभी हम सबसे पहले मेन रोड पर चलते हैं, वहाँ से फिर हम लोग हनुमान मंदिर के लिए निकलेंगे। और जैसा कि अभी 6:51 हो हुआ है, यानी 7 बजने के आसपास हूँ, 7 बजने के करीब हूँ, और धूप ऐसा हो रहा है, मतलब मैंने जैसा बेगूसराय में एक वीडियो में दिखाया था 5 बजे के आसपास धूप था, तो उससे कहीं ज़्यादा हमारे पटना में धूप है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बेगूसराय से बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे पटना में पड़ रही है। मेन रोड पे आ गए हैं, पटना के मेन रोड पे आ गए हैं। अब चलिए हमारे साथ इस राइड का मजा लीजिए। पटना में एक चीज़ देखने को मिली थी कि मैं पिछले वीडियो में जब पिछली बार आया था तो उस समय क्या हुआ था कि रात में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, मैंने नाइट वीडियो एक बनाना सही समझा, तो उसमें 10 बजे के आसपास हम लोग रात के मार्केट में थे, उस समय भी इतना जाम था कि पूछिए मत। तो यहाँ से जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हनुमान मंदिर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे ये मस्जिद भी है, और उस साइड पे हमारा हनुमान मंदिर है, महावीर मंदिर है। अब शायद आप लोगों को दिख गया हो ऊपर के, तो यही हमारा हनुमान मंदिर है, हमारा डेस्टिनेशन है, जो कि इस बार हम लोग देखने के लिए आए हैं। तो हम लोग पटना महावीर मंदिर के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी को पहले पार्क करते हैं फिर दिखाते हैं। ये रहा हमारा हनुमान मंदिर। जैसा कि हम लोग पटना के महावीर मंदिर आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग जूता चप्पल को जमा कर सकते हैं, अपने सारे सामान को यहाँ पे हम लोग लड्डू को ले सकते हैं, प्रसाद को यहाँ पे रसीद कटवाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग पटना महावीर मंदिर के अंदर चलते हैं। अगर आप लोग हनुमान मंदिर आ रहे हैं तो सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसाद का जो है वितरण सबसे पॉपुलर जगह यहीं पर है, यहाँ से प्रसाद को हम लोग खरीद सकते हैं, और मैंने सत्यम को भेज दिया यहाँ पे प्रसादी को खरीदने के लिए। तो भैया हम लोगों के लिए माला खरीद रहे हैं। सत्यम यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके आ गया है। अब हम लोग सीधे मंदिर की ओर चलेंगे। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं फूल माला लेके, प्रसाद को लेके। अभी हम लोग पटना के महावीर मंदिर के अंदर में हैं, और अब क्या करते हैं शॉर्टकट मार के लाइन के अंदर आ गए। इस बच्चे को देखिए, और यहाँ पे अभी हम लोग पटना के महावीर मंदिर में आए हुए हैं। तो अभी सुबह का 7:30 बज रहा है, तो अभी यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी श्रद्धालु लोग आ चुके हैं।
अभी हम लोग पटना के महावीर मंदिर में आए हैं और यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो जैसा जैसा होगा हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। ये हमारा मेन गेट रहा जहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अभी हम पटना के महावीर मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा दान पेटी है और सुबह सुबह श्रद्धालु की इतनी भीड़। तो गाइस, मिस्टर अभिषेक कुमार ब्लॉगर पूजा करने आए हैं ताकि हमारे व्यू सब्सक्राइबर वगैरह सब सही से चले। तो हम लोग अभी पटना के हनुमान मंदिर में प्रसादी चढ़ा दी है और आगे ऊपर चल के देखते हैं। और अंदर में भगवान शिव का मंदिर है तो चलिए हम वो दिखाते हैं आपको। जैसा कि देख रहे हैं अभी हम लोग पटना के महावीर मंदिर में नीचे प्रसाद चढ़ा के ऊपर आ गए हैं। और ये शिव जी का शिवलिंग है और ये हमारा अभिषेक जी। बोले बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा ऊपर से महावीर मंदिर के ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी। खुश हम लोग इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और हमारे पीछे पीछे ये सत्यम भी आ रहे हैं। लोग पटना मंदिर के सबसे ऊपर फ्लोर पे आ गए हैं और ये पीछे देख सकते हैं। से हम लोग ऊपर का हम लोग पटना जंक्शन का पूरा नज़ारा को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक बार उसको दिखाते हैं। तो ये हमारा रहा पटना जंक्शन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग महावीर मंदिर के सबसे ऊपर फ्लोर पे हैं, सबसे ऊपर फ्लोर पे आ गए हैं। और ये रहा हमारा सामने का व्यूज, हम लोग इसी पुल से भी आए थे नीचे। लेफ्ट साइड में हम लोगों को पटना जंक्शन देखने को मिलता है तो आप वहां पे देख सकते हैं। काफी भीड़, सुबह के भी 7:30 ही बज रहे हैं और इतनी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रही है। अभी हम चलते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे विराट रामायणम मंदिर, मतलब यहाँ पे रामायण मंदिर का निर्माण किया गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ से नीचे चलेंगे और डायरेक्ट अपने रूम पे जाके आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि आगे कहाँ का वीडियो बनाना है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना।